नमस्कार, मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। कहने को तो एक बार राजस्थान में सियासी घमासान का अंत हो चुका है, लेकिन हकीकत तो यह है कि सचिन पायलट की घर वापसी के बाद भी कांग्रेस में दरार साफ नजर आ रही है। अब गहलोत गुट के विधायकों ने ही मुख्यमंत्री की चिंताएं बढ़ा दी है। एक महीना से ज्यादा वक्त बाड़ेबंदी में बिताने वाले विधायक अब गहलोत से ही सवाल पूछ रहे हैं कि बागी विधायकों पर कार्यवाही क्यों नहीं हुई। दरअसल इससे पहले आपको पूरा मसला समझना चाहिए। बागी विधायकों के साथ जयपुर लौटने पर सचिन पायलट का स्वागत करने की बजाय अशोक गहलोत का जैसलमेर पहुंच जाना और फिर जैसलमेर से आज जोधपुर जाने का कार्यक्रम, यह दर्शाता है कि अभी तक कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। दूसरी तरफ जैसलमेर के होटल सूर्यगढ़ में भी लगातार दो दिन से हंगामा जारी है। आज यहां से बाड़ेबंदी खत्म हो जाएगी, लेकिन यहां मौजूद विधायकों को जयपुर के होटल फेयरमाउंट में एक बार फिर शिफ्ट किया जा रहा है। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि अभी भी अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच लंबे फासले बने हुए हैं। दूसरी तरफ सचिन पायलट की कांग्रेस में घर वापसी तो जरूर हुई है, लेकिन सचिन पायलट अब किसी भी तरह का पद लेने के लिए तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर भले ही सियासी संकट टल गया हो, लेकिन अंदरूनी तौर पर असंतोष की आग अभी भी सुलग रही है। करीब एक महीने तक सरकार की सांसों को अटकाए रखने वाले बागियों की वापसी से गहलोत खेमे के कई विधायक नाराज बताए जा रहे हैं। सचिन पायलट और उनके समर्थन वाले विधायकों की वापसी पर स्वागत की जगह सवाल उठाए जा रहे हैं। अब ऐसे में विधायकों और नेताओं को संतुष्ट करना पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के लिए एक बार फिर नई मुसीबत आ खड़ी हुई है। सचिन पायलट की घर वापसी के बाद मंगलवार को होटल जैसलमेर के सूर्यगढ़ में एक विधायक दल की अहम बैठक हुई। इस बैठक में गहलोत खेमे के विधायकों ने बागी विधायकों को लेकर कई तरीके के सवाल उठाए। बैठक शुरू होते ही विधायकों ने बागियों की घर वापसी पर सवाल खड़े कर दिए। अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए इन विधायकों ने बैठक में अपने कड़े तेवर भी दिखाए। विधायकों के तेवर देखकर पार्टी के बड़े नेता भी हैरान हो गए। इसके बाद में वरिष्ठ कांग्रेस के नेताओं ने उन विधायकों को शांत कराया। इसके साथ ही इन नेताओं ने विधायकों को अनावश्यक बयानबाजी से बचने की भी सलाह दी है। आपको बता दें, पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल समेत अन्य नेताओं ने पायलट से बातचीत कर सुलह की राह तो खोल दी है और उनकी पार्टी में वापसी भी करा दी है, लेकिन यह वापसी गहलोत खेमे के कई विधायकों और नेताओं को खटक रही है। और इसका जीता जागता उदाहरण है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान। अशोक गहलोत ने कहा है कि विधायकों का परेशान होना स्वाभाविक है, मैंने उन्हें समझाया है कि हमें लोकतंत्र बचाना है। लेकिन इस तमाम घटनाक्रम के बाद ये लगभग तय लग रहा है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच दरार कम अभी भी नहीं हुई है।